राइट साइड से ABC, हाँ, A फॉर एक्सेलेरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। ठीक, और ये देखिए, ये तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। तो दोस्तों, आज एक्चुअली क्या हुआ ना कि आशा और मेरा बीच में थोड़ा सा नोकझोंक हो गया है। ये हमसे काफी गुस्सा में थी, और गुस्सा इसलिए थी ना दोस्तों क्योंकि इसको चलाना है, कार सीखना है, और हम थोड़ा सा बाहर गए हुए थे। जो पिछला वीडियो में आप सभी ने देखा कि मैं उसमें नहीं था और आशा ब्लॉग की थी। तो दोस्तों एक्चुअली हम आए हुए हैं और ये इनको है कि हम कार सीखेंगे। तो थोड़ा सा हमारा भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि आते ही इनको कार सीखना है। तो चलिए, जब बीवी है, बीवी के तो ख्वाहिश को पूरा करना लाजमी है दोस्तों। नहीं नहीं, ऐसा होता है ना कि अब कभी आप यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, तो लगता है जैसे कि काश मुझे ये चलाना आता, तो अगर कुछ ऐसा कभी जरूरत हुआ तो हम भी मतलब कुछ कर सके। तो बस तो दोस्तों इनको कार चलाना है और इसी बीच में ये बहुत ज्यादा हमसे नाराज थी। तो चलिए, नाराज नहीं करते हैं, ले जाते हैं मैदान और देखते हैं कि ये कार चलाना सीख पाती है कि नहीं। तो आप लोग भी देखिए, बहुत ही मजेदार होने वाला है वीडियो, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले। चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं, हम सबको दिखाते हैं आशा कैसे कार ड्राइव करती है, कैसे सीखते हैं। आप लोग भी अगर कार सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए, मजेदार होगा। चलिए, दोस्तों हम लोग बाहर आ गए हैं और ये देखिए हमारा गाड़ी, ठीक है, ये गाड़ी जो कि भैया का है और हम लोग उसी में अभी चलेंगे, है ना। तब खुश हो ना, सीख पाएंगे तब तो, पहली बार अच्छा? ट्राई करेंगे। तो पहला जो एक्सपीरियंस होता है ना, काफी गजब का होता है, फर्स्ट टाइम स्टेयरिंग में हाथ देने का भी अनुभव अलग होगा। चलिए चलते हैं। तो ये गाड़ी है दोस्तों, चलिए बैठिए, आइए। अरे देखिए दोस्तों, आरब लोग बैठ गए हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ आ चुके हैं और आशा को आज सीखना है, तो इसलिए सबसे पहले इसको जो है ना ट्रेनिंग देंगे, है ना। तो चलिए ट्रेनिंग देते हैं। और ये देखिए छोटा बाबू लोग भी नीचे है, तो जय बाबा विश्वकर्मा, है ना, है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको यहाँ बैठाते हैं, क्रीम रोल स्पीड से जो है ना इसको सिखाएंगे। तो सीखना है ना? हाँ सीखना है, लेकिन बहुत कोई है, सब देख रहे हैं। अरे देखिए छोटा बाबू भी पूरा दौड़ रहा है मैदान में। तो सबसे पहले ये है स्टीयरिंग, ठीक है, और इस स्टीयरिंग के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाड़ी में बैठने से पहले आपको अच्छा से बैठना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लाइड किया हुआ है, पीछे है, आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा। तो उसको आगे कीजिए और हल्का सा अपना हिसाब से आगे कर सकते हैं, दबा के। इतना दबा के आगे कर लिए। अब ये है सीट, ठीक है, सीट आप ऐसा कीजिएगा जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो, आप अच्छा से बैठिएगा तभी आप अच्छा से देख पाइएगा, और देखिएगा तभी आप अच्छा से ड्राइव कर पाइएगा। तो इसमें एक साइड में देखिए यहाँ पे एक ये है, इसको ऊपर उठाइए और सीट को हल्का एक एक हैंड से, हाँ ऊपर उठा के ऊपर उठाइए, ऊपर उठा, हाँ अपना हिसाब से, ठीक है ना। अब आप बैठ गए अच्छा से, कवर हो गया, लेकिन सबसे फर्स्ट है सेफ्टी, ठीक है, सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट आपका ये रहा, इसको पकड़िए और एक बार में आप अपना तरफ से घीचिए, हाँ, और नीचे देखिए एक लॉक है साइड में, हाँ इसको यहाँ आके पहले लगाइए। दोस्तों आप गाड़ी चला रहे हैं, मना अगर जरूरी है तो सबसे पहले सीट बेल्ट और सीट आप सही ढंग से बैठिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाते हैं, इसका तीन स्टाइल है, ABC, मतलब आपका राइट साइड से ABC, राइट से ABC, हाँ, A फॉर एक्सेलेरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच, ठीक है। तो A फॉर एक्सेलेरेटर का काम होता है पिकअप लेना,
स्पीड बढ़ाना, हाँ, और ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, और क्लच का काम होता है कि जब हम गियर लगाते हैं तो उसका यूज करते हैं कि ताकि वो हमारा आसानी से गियर इधर उधर हो, उसका काम होता है। ठीक है, अब ये है हमारा इंडिकेटर, इसको नीचे कीजिए, हाँ नीचे कीजिएगा तो राइट साइड का इंडिकेटर जलेगा, इंडिकेटर जलेगा, करेंगे तो लेफ्ट जी। और ये है वाइपर, ठीक है, बंद कैसे होगा, वो मिडिल में रखना है, ये वाइपर है, ठीक है। अब है क्या कि अगर आपको दोनों इंडिकेटर जलाना है तो यहाँ इस जगह पे आप दबाइए, देखिए ये दोनों इंडिकेटर आपको। अच्छा, दोनों क्यों जलाएंगे? कभी कभी क्या होता है कि आप गाड़ी चला के जाते हैं तो मान लीजिए दोनों इंडिकेटर जो होता है वो जलाइएगा तो आने वाला जो सामने ड्राइवर है उसको पता चलेगा कि अच्छा, जो नया ड्राइवर है, बारिश का समय हो, हाँ, बारिश में देखते हैं, हाँ तो ठीक है। चलिए गेट लॉक हो गया, अगर गेट आपका ओपन रहेगा तो यहाँ इंडिकेट करेगा कि गेट ओपन है, ठीक है। अभी आपका इंडिकेट कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब गेट जो है चारों तरफ बंद है। अब आप स्टार्ट कीजिए। जय बाबा विश्वकर्मा, पहली बार गाड़ी स्टार्ट करेंगे, सब कुछ अच्छे से हो। चलिए गाड़ी स्टार्ट करने जा रही है दोस्तों, ये आशा अभी स्टार्ट करेगी गाड़ी, चलिए जल्दी स्टार्ट कीजिए, इसको ऐसे घुमाना है, हाँ हाँ घुमाना है। और ये देखिए ये गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे बीच में जो है ना ये एक्सेलेटर, ये आपका हैंड ब्रेक है, हाँ इसको हैंड ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हैंड ब्रेक को नीचे करके और दबाइए, मैंने इसको दबा के नीचे कीजिए, तो दोस्तों अब जो है ना अब आशा यहाँ गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अब देखिए ये देखिए यहाँ क्लच है तो ए बी सी है ना, तो सी को दबाइए, सी को क्या फुल दबा देंगे, हाँ फुल दबाइए, दबाइए और दबाइए, हाँ अब जो है एक्सेलेटर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है वन? आगे हाँ वन, पीछे टू, फिर इधर थ्री, तो क्या कर रहे हैं आप, दबाए हुए है ना, तो एक दबाइए, नहीं दबाए पूरा दबाना है, ये देखिए ये एक गियर है, ठीक है इसको पकड़िए यार, अब ये देखिए दोस्तों एक गियर है और ये दो गियर है, ठीक है दो गियर लग गया, फिर इसको न्यूट्रल में किए, फिर न्यूट्रल से सीधा तीन गियर, फिर यहाँ सीधा और ये फिर चार गियर, फिर न्यूट्रल, इधर देखिए पांच गियर, ये न्यूट्रल हो गया, फिर पांच गियर हो गया, ये न्यूट्रल है, और फिर देखिए दोस्तों ये है आपका रिवर्स, रिवर्स ठीक है, आर्म में रिवर्स होता है, ये रिवर्स हो गया, ठीक है तो अभी न्यूट्रल में है, आप एक नंबर लगाइए और पैर दबा के रखेंगे ना, हाँ दबा के, एक नंबर किधर है, इधर है कोना में, अच्छा हाँ, ये तीन गियर हुआ, एक गियर लगाए फिर न्यूट्रल कीजिए, हाँ अब जो है ना पैर को आप क्लच को धीरे धीरे छोड़िए, देखिए धीरे धीरे छोड़िए, छोड़ तो रहे, छोड़िए छोड़िए ये, और ये देखिए दोस्तों छोड़ दे, हाँ छोड़िए, घुमाइए जैसे घुमाइए उधर नहीं जाना है, और ये देखिए आशा गाड़ी चलाने सीख गई है ना, कैसा लग रहा है, डर लगने से होगा, लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग हैं, पकड़िए 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 है ना, डरिए मत, चलिए सीधा लेके चलिए उधर, साइकिल में ये होगा, ये 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 काटना पड़ेगा ना, सीखना अच्छा। पड़ेगा, जैसे काटिए 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 और काटिए जल्दी जल्दी काटिए, अरे काटिएगा तो ना, हाँ नहीं, नहीं तो ये देखिए दोस्तों अभी आशा एक ही बार में जो है ना गाड़ी चलाने सीख गई है, ये देखिए कितना मस्त मौसम में आशा गाड़ी चला रही है ना, पापा। बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना मैदान में, इसीलिए थोड़ा मतलब बोलो पापा, हम लोग चलाते तो दौड़ते हैं, नहीं आप तो अच्छा चलाते हो, आप भी अच्छा चलाते हो, हम कभी रोते हैं नहीं, आप कहाँ रोते, मम्मा रो रही है ना, और वहाँ चलाने के लिए कैसे बोल रही थी कि हम चलाएंगे चलाएंगे, वहाँ लड़ रही थी है ना, ऐसा है ना कि आरव के पापा के पास तो है कार ना, मेरे पापा के पास तो नहीं है ना, तो हम नहीं सीखे हैं, बाइक है, बाइक है, देख लिए दोस्तों बहुत देर ये एक नंबर गियर में चलाई ना, अब दो नंबर गियर इसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, यही ठीक है, स्लो स्लो, हाँ यही ठीक है।
फाइनली दोस्तों आशा ने गाड़ी चला ली है, ड्राइव कर लिया, काफी अच्छा लगा ना? आज बहुत मजा आया। बहुत ही मजा आया। शायद ट्राई करेंगे तो हम सीख जाएंगे, हमको लग रहा है। ये पहली बार जो है ना कार ड्राइव की है, बहुत ही अच्छा। और इधर क्रिकेट भी लोग मैच जीत गया, देखिए लड़का लोग काफी खुशी मना रहा है, जीत गया है देखिए। हाँ थोड़ा अंधेरा हो गया तो चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग घर है ना, घर चलते हैं। तो चलते हैं, आप लोग देखते रहिए और घर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है ना कार ड्राइव करके घर आ गए हैं, और ये आशा भी आ गई है, और ये छोटा बाबू भी आ गया। देखिए छोटा बाबू भी हाय करेगा। छोटा बाबू हाय करो। चलो दोस्तों, छोटा बाबू भी थक गया है, तो वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, करना मत भूले। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रो रहा है मेरा बच्चा। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।